tarot card reader, astrologer, numerologist and life motivator. टैरो रीडिंग्स के वंडरफुल वर्कशॉप के बाद आज मैं अपने चैनल पर ले आई हूँ टैरो रीडिंग्स के इंटरप्रिटेशन सीरीज, जिसके अंदर मैं टैरो को पढ़ना सिखाऊंगी, उनके मीनिंग्स बताऊंगी, उनकी इंटरप्रिटेशंस बताऊंगी। तो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये कि जो कार्ड्स हैं ये राइडर अवेट डेक के कार्ड्स हैं, जो कि आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो अगर आप टैरो रीडिंग से सीखना चाहते हैं तो किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से राइडर अवेट के कार्ड्स मंगवा लीजिए। वैसे तो और भी बहुत सारे डेक होते हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे जो अच्छा वाला डेक है और सबसे जो ट्रेडिशनल है, सबसे पुराना है, वो राइडर अवेट ही है। और इसके अंदर जो कार्ड्स है 78 कार्ड्स, वो आपके जीवन के हाल बताने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए काफ़ी हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी ही डेक को रिकमेंड करती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते हैं कि कैसे ये जो कार्ड्स हैं आपके जीवन का हाल बताएंगे। अरकाना ये है माइनर अरकाना, तो दोनों पाइल्स की हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं माइनर अरकाना के कार्ड्स को थोड़ा साइड में कर देती हूँ, क्योंकि आज हम मेजर अरकाना के 22 में से सिर्फ 11 कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए गाइज, ये मेजर अरकाना का सबसे पहले नंबर का कार्ड है द फूल। यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ है और ऊपर एक नंबर है जो कि दिखाता है मेजर अरकाना का कार्ड। यहाँ पर द फूल लिखा हुआ है, जिसमें एक पिक्चर के अंदर आपको एक लड़का नजर आ रहा होगा जिसने एक पोटली पकड़ी हुई है, स्टिक के ऊपर पीछे एक सूरज है। यहाँ पर एक डॉग नजर आ रहा है जो भौंक भौंक कर इसको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ पानी नजर आ रहा है और ये इंसान जो है अपनी मस्ती में मुंह ऊपर को उठाए हुए कहीं जा रहा है। इसके कपड़े देखिए, कपड़ों के ऊपर कुछ फूल नजर बने हुए नजर आ रहे होंगे और इसके हाथ के अंदर भी इसने एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। तो गाइज, जब भी हम कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कार्ड क्या कह रहा है, इसके कलर्स कैसे हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं, ये कलर्स जो है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिक्चर हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो गाइज, ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि मोस्टली कलर्स वाले कार्ड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जिन कार्ड्स के अंदर आपको ब्लैक नजर आएगा कलर, तो वो मोस्टली नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। तो ये इसके अंदर सभी कलर्स हैं, तो ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये कार्ड हमें कुछ इस तरह से बताता है कि ये इंसान द फूल है, मतलब ये इंसान बेवकूफ किस्म का इंसान है जो कि अपनी मस्ती में चला जा रहा है। इसने अपने हाथ में जो पोटली उठाई हुई है, ये इसकी प्रॉस्पेरिटी है, ये इसके जीवन की अचीवमेंट्स हैं, ये इसकी वेल्थ भी हो सकती है, ये इसके जीवन की सक्सेस भी हो सकती है। इसके हाथ के अंदर जो फूल है, ये इसकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है कि इस इंसान के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर हैं जिससे इसने सक्सेस हासिल की हुई है। यहाँ पर देखिए जो सूरज नजर आ रहा है, ये सूरज जो है इसकी जिंदगी के अंदर उजाला बताता है, मतलब इसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर इसने जो ड्रेस डाली हुई है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि ये इंसान अपने आप में टैलेंटेड है, समृद्ध है, इसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसके बल पर इसने जीवन में सक्सेस हासिल की हुई है। लेकिन अब देखिए, इसने मुंह ऊपर को उठाया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर घमंड है, ये इंसान किसी की सुन नहीं रहा। ये यहाँ पर जो डॉग है इसको भौंक भौंक के कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। ये डॉग इसके रिलेटिव भी हो सकते हैं, इसका इनर कॉन्शियस भी हो सकता है, जो कि इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मुंह ऊपर उठाकर चलोगे तो नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आगे देखिए आगे पानी है, आगे खाई है, अगर आप ध्यान से नहीं चले तो आप गिर जाओगे। तो ये कार्ड किसी भी इंसान की केयरलेसनेस को दिखाता है। तो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में निकल कर आएगा तो आप क्वेरेंट को बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा जिंदगी के अंदर सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी केयरलेसनेस को छोड़कर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, नहीं तो जीवन में आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके जीवन में दुर्घटनाएं होंगी, आप जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों को खो देंगे जो कि आपके पास है। क्योंकि जब अगर ये इंसान, इसका पैर में यहाँ पर कुछ भी पत्थर लगा और ये नीचे गिर जाएगा तो इसकी पोटली में जो भी चीजें हैं वो गिर जाएंगी। तो इस तरह से हम कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। तो ये मेजर अरकाना का नंबर 1 का कार्ड था। अभी इसके नेक्स्ट जो है सेकेंड कार्ड है द मैजिशियन। इस कार्ड को देखिए,
ये वैसे तो नंबर वन का कार्ड है, लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने फूल के बारे में पढ़ा तो वैसे नंबर टू है, लेकिन नंबर वन का कार्ड यहाँ पर, ये नंबर वन है पर वैसे नंबर टू का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक जादूगर है। अब जादूगर ने अपने हाथ के अंदर एक वैंड पकड़ी हुई है, इसके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, इसने जो रेड ड्रेस डाली हुई है ये इसके जीवन के नेम फेम और सक्सेस को दिखाती है। इसके पास देखिए ऊपर जो फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ये इसके जीवन में सेलिब्रेशंस को दिखाते हैं, खुशियां को दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो हैं आपको नीचे भी नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर जो टेबल पड़ा हुआ है इसके ऊपर जो एक कप पड़ा है, पेंटिकल पड़ा है, स्वॉर्ड पड़ा है, मतलब इस इंसान के पास अपने जीवन में रिश्ते भी हैं, इसके पास पैसा भी है, इसके पास पावर भी है, इसके पास ब्लेसिंग्स भी हैं, मतलब ये इंसान अपने आप में भरपूर है, इसको जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सडन चेंज लाने की दूसरों के जीवन में, ये इंसान इतनी क्षमता रखता है कि ये किसी और के जीवन में चेंज लाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ नीचे फ्लावर नजर आ रहे हैं ये आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं इस इंसान के जीवन में, जो कि और अपॉर्चुनिटीज, ये यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी इसके रस्ते में आगे आने वाले टाइम में इसको मिलने वाली है। तो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में निकल के आता है, अब देखिए जादूगर है, जादूगर क्या करता है, वो फटाफट से अपने एक हाथ से अपनी छड़ी घुमाता है और जादू से फटाफट से सब कुछ चेंज कर देता है। तो इस इंसान के अंदर इतनी क्षमता है, इस इंसान के अंदर इतनी काबिलियत है कि ये सडनली चीजों को चेंज कर दे। तो जब भी ये कार्ड निकलकर रीडिंग में आएगा तो आप क्वेरियन को बोलेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर चीजें सडनली चेंज होंगी, रातों रात चीजें चेंज हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम इनके मीनिंग्स को अपनी रीडिंग्स में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइज अभी नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ये मेजर अरकाना का नंबर दो का कार्ड है। नंबर दो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर दो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है जिसने कि एक शॉल लिया हुआ है और उस शॉल के अंदर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आपको चंद्रमा नजर आएगा, नंबर दो चंद्रमा का होता है, चंद्रमा इसके कदमों में है लेकिन उसके अंदर कट लगा हुआ है। साइड में दो पिलर्स हैं जो कि एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, और पीछे कुछ जो इसकी बैकग्राउंड में कुछ फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। तो चंद्रमा नंबर दो, चंद्रमा का कार्ड देखिए जब भी निकल कर आता है तो दो नंबर वाले जो इंसान होते हैं ये इमोशनल टाइप के इंसान होते हैं, इनके अंदर हिडन क्वालिटीज होती हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं जो कि सुख और दुख दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं, और शायद इसीलिए ये अपनी भावनाओं को दबाते हैं, ये अपनी जो चीजें हैं उनको शो नहीं करते, अपने इमोशंस को शो नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर ये जो लेडी है कुछ छुपा रही है, मतलब ये अपने अंदर बहुत कुछ समा लेते हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं देते, खुद टूट जाएंगे। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पर टूटा हुआ है, खुद बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन किसी को दर्द नहीं दे पाएंगे। तो जो दो नंबर का ये जो कार्ड है ये आपको इस तरह की वाइब्रेशंस देगा। जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आएगा तो आप ऐसे इंसान को बोल सकते हैं कि जो भी जिसके लिए भी ये कार्ड निकला है वो बहुत एडजस्टेबल इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, उसके अंदर सुख और दुख को अपने अंदर समाने की क्षमता है, इसी कारण वो थोड़ा सा डिप्रेसिव भी रहता है। अभी देखिए ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई, लेकिन इस कार्ड की, इस वाइब्रेशन की एक नेगेटिव चीज ये है कि ऐसे इंसान डुअल पर्सनैलिटी भी होते हैं। सम टाइम्स दे आर डुअल। डुअल पर्सनैलिटी को आप पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव में ऐसे कि डुअल पर्सनैलिटी के लोग अपने अंदर अपने दुख को छुपा लेंगे, चीजों को छुपा लेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। अगर हम इसको नेगेटिव वे में लें तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसे इंसान दिखाते कुछ और हैं और छुपाते कुछ और हैं। उनकी जो रियलिटी है वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आते, वो उसको छुपा कर रखते हैं। तो ये इंसान डुअल पर्सनैलिटी के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। देखिए इस इंसान के, इस लेडी के गले में यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान दिख रहा होगा। क्रॉस का निशान मतलब कि गॉडली विशेज, गॉडली ब्लेसिंग्स भी हैं इस लेडी के साथ
साथ इसके सिर पर ताज है, मतलब इसने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी उठाया हुआ है। तो ये इंसान बेशक डुअल पर्सनैलिटी है लेकिन फिर भी अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। ये अंदर ही ऐसे लोग इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होते हैं, ये लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये छुपा कर चीजों को रखते हैं, दिखाते नहीं है। तो अब आपको अपनी रीडिंग के हिसाब से देखना होगा कि आपको ये जो कार्ड निकल कर आया है ये उस इंसान की पॉजिटिव क्वालिटीज को बता रहा है या नेगेटिव क्वालिटीज को। तो ये था नंबर 2 का कार्ड। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। ये मेजर अरकाना का नंबर 3 का कार्ड है, नंबर 3 नंबर बृहस्पति का कार्ड है। और ये पीछे देखिए आपको कितने कलर्स नजर आ रहे हैं इस कार्ड के अंदर। आपको एक लेडी बैठी हुई नजर आ रही है जो कि है द एम्प्रेस, मतलब ये महारानी है। ये अपने घर के बगीचे के अंदर बहुत ही रौब के साथ, अपनी पूरी हुकूमत के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ बैठी हुई है। उसने हाथ के अंदर एक स्टिक, एक वैन पकड़ी हुई है जो कि उसकी पावर को दिखा रही है। और इसके बैठने का स्टाइल देखिए, वो ऐसे बैठी हुई है जैसे कि वो दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने वाली है। इस लेडी के आप जो सिर के ऊपर ये देख रहे हैं एक ताज है जिसके अंदर के स्टार्स लगे हुए हैं, ये इसकी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं। और इसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि ये जो 12 नग है ये 12 राशियां बताते हैं। मतलब इस लेडी के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो 12 की 12 राशियों के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। ये इंसान, ये लेडी बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाली, बहुत ही वर्डली एटीट्यूड वाली, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कंट्रोल करने वाली लेडी है। इसके पास ये जो आप इसकी सिंहासन देख रहे हैं इसके ऊपर भी कलर्स हैं। यहाँ पर देखिए रेड कलर हमेशा नेम एंड फेम को दिखाता है। तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाली फेमस लेडी है। और यहाँ पर ये जो आपको ये वाला सिंबल नजर आ रहा है ये मैटरनिटी को शो दिखाता है। ये फेमिनिन एनर्जी है, मतलब ये औरत अपने आप में बहुत काबिलियत वाली है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसको जीवन के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, अथॉरिटी मिलने वाली है। जब भी ये कार्ड निकल कर आएगा तो हम क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि आपके आने वाले टाइम में एक लेडी, एक ऐसी इंसान आपके जीवन में आएगी जो कि बहुत ही पावरफुल होगी, महारानी होगी। वो आपके जीवन की महारानी हो सकती है, आपके दिल की महारानी हो सकती है, वो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। और ये फेमिनिन क्वालिटीज भी हैं, फेमिनिन एनर्जी भी है। अगर किसी इंसान के, अगर आपके पास कोई क्वारेंट आता है और उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा, तो अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आपके घर के अंदर खुशियां आने वाली हैं, आपके घर के अंदर कोई नया मेहमान आने वाला है। तो ये इस एनर्जी को भी दिखाता है। तो ये था नंबर 3 का कार्ड। चलिए अभी इसके बाद चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर जो है यहाँ पर देखिए, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ज्यादातर सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि ये जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं को दिखाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ एक कार्ड्स जो कि लास्ट के सेक्शन में आएंगे वो थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स हैं, वो जीवन की बड़ी दुर्घटनाओं को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम चौथे नंबर के कार्ड की बात करते हैं। देखिए द एम्परर जो महाराजा हैं, ये सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। इस इंसान को देखकर आप क्या गेस कर पा रहे हैं? ऐसा इंसान जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये एक ओल्ड पर्सन है। देखिए इन्होंने भी हाथ के अंदर एक स्टिक पकड़ी हुई है, वो बहुत ही रौब के साथ अपने घर की पूरी अथॉरिटी को लेते हुए रोप के साथ बैठे हुए हैं। इनके पीछे जो है आपको येलो कलर नजर आ रहा है, और वो जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं पूरे रोप के साथ, वो उनका खुद का घर भी हो सकता है। उनके अगर वर्क प्लेस है तो उनका खुद का ऑफिस हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इनके जो बूट्स हैं, इनको देखिए, इनके बूट्स जो हैं वो लोहे के हैं। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मेहनती है, मतलब ऐसे इंसान ने जीवन के अंदर जो कुछ भी पाया है वो अपनी मेहनत से और संघर्ष से पाया है। ऐसा हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नंबर 4 का कार्ड है, और नंबर 4 जो है राहु का कार्ड होता है, राहु को रिप्रेजेंट करता है। और लाइफ में जो राहु है हमेशा स्ट्रगल करवाते हैं, वो चीज़ों को आसानी से किसी इंसान के जीवन में नहीं देते। आपके जीवन की सक्सेस को पाने के लिए, लग्जरी को पाने के लिए, और जीवन की बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको पाने के लिए
आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी। तो जब भी ये कार्ड निकल कर आता है तो हम इंसान को बोल सकते हैं आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपकी मेहनत से ही मिलेगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखनी है, जो भी आप कार्ड्स देखेंगे उसके अंदर जो भी पर्सन है उनके क्लोथ्स को जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर रेड कलर के इन्होंने कपड़े डाले हैं। रेड कलर मैंने पहले भी बताया कि नेम एंड फेम को बताता है, लेकिन यहाँ पर ये फायरी नेचर को भी बताता है। ये इंसान जो कि पूरी अथॉरिटी के साथ बैठा है, ये डोमिनेटिंग भी है, ये बहुत एनर्जेटिक है। बेशक उन्होंने मेहनत से अपने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन वो डोमिनेट भी करते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो दूसरों को डोमिनेट करके उनसे काम करवाएं, तो ये इनकी क्षमता इनके अंदर होती है। मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा द हेरोफेंट का कार्ड। देखिए तो हेरोफेंट जो है ये नंबर 5 का कार्ड है। नंबर 5 हमारा जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारी बुद्धि के मालिक हैं। तो यहाँ पर जो इंसान बैठे हुए हैं इन्होंने भी रेड कलर के कपड़े डाले हुए हैं, इन्होंने भी हाथ के अंदर एक स्टिक पकड़ी हुई है, इनके सामने भी दो लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो कीज भी पड़ी हैं। तो ये इंसान जिन्होंने इन्होंने जो कपड़े डाले हुए हैं, देखिए उसके ऊपर आपको प्लस का निशान भी नजर आ रहा होगा। तो जब भी प्लस मतलब क्रॉस का निशान नजर आता है तो ये इंसान भगवान में विश्वास रखने वाला है, ये रिलीजियस टाइप का पर्सन है, और इसके पास लोग जो है एडवाइस लेने के लिए आते हैं। ये इंसान इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बुद्धि का मालिक है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि है, तो ये इसकी बुद्धि बहुत तेज है। इसके पास ऐसी क्षमताएं हैं कि ये लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। इसके पास ऐसी चाबियां हैं, देखिए यहाँ पर चाबियां पड़ी हुई हैं। चाबियां किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? चाबी हर ताले को खोलने की क्षमता रखती है। तो ये इंसान इसके अंदर इतने गुण हैं कि ये लोगों की समस्याओं को अपनी बुद्धि के द्वारा सॉल्व करता है, उसके पास हर समस्या का समाधान है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड, और नंबर 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की साइड से देखें तो नंबर 6 जो है एस्ट्रोलॉजी में शुक्र को बोलते हैं। शुक्र आपकी पत्नी भी हो सकती है, शुक्र आपका प्यार भी हो सकता है। तो ये लवर्स का कार्ड, नंबर 6 का कार्ड, मतलब ये दो इंसान आपस में प्यार करने वाले इंसान हैं। अभी एक चीज यहाँ पर देखना होगा कि बेशक ये लोग इंसान आपस में प्यार करने वाले हैं, लेकिन इनके तन के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी जो इंसान आपस में सच्चा प्यार करेंगे, उनके अंदर इतना ज़्यादा विश्वास एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट होगा कि वो कुछ भी एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, वो कुछ भी उनके बीच में हिडन नहीं होगा, सब कुछ खुला होगा। एक दूसरे के ऊपर उनका इतना ज़्यादा विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, कि वो उनको एक दूसरे से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग इतना प्यार आपस में करेंगे, ऑब्वियसली उनके ऊपर भगवान की दया रहेगी, भगवान की ब्लेसिंग्स रहेंगी, वो भगवान की छत्रछाया में रहेंगे। तो ये कार्ड जो है सीधे तौर पर आपके लव रिलेशंस को बताता है। अगर रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो है आप लव रिलेशन में या तो हैं या पढ़ने वाले हैं। ये लव मैरिज को भी खाता है, लेकिन अगर ये कार्ड आता है तो आपको उस इंसान को एक एडवाइस भी देनी होगी कि जिससे आप प्यार करते हैं उससे कुछ छुपाएं नहीं, उससे झूठ मत बोलिए, उसके साथ वफादार रहिए, तभी आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अदरवाइज नहीं। तो ये कार्ड था नंबर 6 कार्ड। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है नंबर 7 का कार्ड। ये है नंबर 7 मतलब केतु का कार्ड। देखिए नंबर 7 केतु का नंबर होता है, और जब इंसान के जीवन के अंदर केतु अगर पॉजिटिव तौर पर आ जाए तो वो इंसान को इतना इंटेलेक्चुअल बना देते हैं कि इंसान के अंदर इतनी क्षमताएं आ जाती हैं कि वो सही और गलत को तो बहुत अच्छे से पहचान ही सकता है, लेकिन सही और गलत और सही चीजों को पार करते हुए, हर सिचुएशन से निकलते हुए मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेता है। तो 7 नंबर केतु, ऐसे इंसान के ऊपर जो है भगवान की दया रहती है जिनका केतु अच्छा है।
तो ये जो इंसान है ये देखिए यहाँ पर आपको शिवलिंग भी बना हुआ नजर आ रहा है और ये जो एंजेलिक विंग्स हैं ये दिखाते हैं कि इस इंसान के ऊपर भगवान की दया है। और यहाँ पर इन्होंने जो चॉर्स एक गले में लॉकेट डाला हुआ है ये इनकी स्ट्रेंथ को बताता है। ये इस इंसान के पास, ये जो पीछे बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस इंसान के पास फाइनेंशियली बहुत स्टेबल इंसान है ये। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि इसने हर अपने जीवन के अच्छे बुरे वक्त को पार कर कर एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस इंसान के पास जो है अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, देखिए इतनी ज़्यादा इसने सक्सेस हासिल करी है। और ये पूरे रॉब के साथ, अपनी एक स्टिक के साथ, अपने इन दो काले और सफ़ेद घोड़ों को लगाम लगाते हुए, हर सिचुएशन को पार करते हुए, हर बुरी सिचुएशन को लांघते हुए जीवन में सक्सेस की तरफ बढ़े चला जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। जब भी ये कार्ड आएगा, देखिए यहाँ पर शिवलिंग भी बना हुआ है, जब भी ये कार्ड आता है तो आप ऐसे इंसान को भगवान शिव की आराधना करने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर उनका कोई टफ टाइम चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि भगवान शिव की आराधना करने से, भगवान शिव पर जल चढ़ाने से आपके जीवन में तरक्की आ जाएगी। तो ऐसे इनके जीवन में चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट हमारी वाइब्रेशन की, जो कि है स्ट्रेंथ नंबर 8। देखिए नंबर 8 का कार्ड शनि का कार्ड होता है। जैसे आपको पता है कि शनि जो है शनि शनि जीवन के अंदर चेंजेस करते हैं, शनि शनि आपके जीवन में, चाहे आप गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको शनि शनि मिलता है। आपके कर्मों का हिसाब शनि ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब मेहनत का कार्ड है। जब भी आपकी रीडिंग्स के अंदर ये वाला कार्ड निकल कर आएगा तो आप इंसान को बोलेंगे कि आपके जीवन में इजीली कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लेडी जो यहाँ पर खड़ी है ये शेर के मुँह में हाथ डाल रही है और इसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, एंजेलिक साइंस इसके ऊपर है। मतलब ऐसा इंसान जो मेहनती होगा, जो मेहनत करेगा, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो शेर के मुंह में हाथ डालकर अपनी सक्सेस को हासिल कर ले। क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालना कोई आम इंसान के बस की बात तो है नहीं। ऐसा इंसान वही करेगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी। तो ये हिम्मत का कार्ड है। यहाँ पर जब भी ये कार्ड आएगा, बेशक ये पॉजिटिव कार्ड है, बेशक आपको ये जीवन में सक्सेस देगा, लेकिन शने शने देगा, धीरे धीरे देगा। आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये मेहनत को ही बताता है। आप क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि आप जिस भी रीडिंग के लिए आए हैं, जिस काम के लिए भी आए हैं, वो आपको काम इजीली नहीं होगा, आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज इसके बाद चलते हैं नंबर 9 की तरफ। देखिए नंबर 9 जो है ये द हर्मिट। अब इस कार्ड की सिंबोलॉजी को देखिए ये क्या बोल रहा है। नंबर 9 मंगल का कार्ड होता है। अभी नंबर 9 बेशक मंगल का कार्ड है, लेकिन हमें कहीं पर भी रेड कलर नजर नहीं आ रहा। इस कार्ड को आप जब आप देखेंगे, इसके जो कलर्स हैं, यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए हुए और लालटेन पकड़े हुए एक बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर खड़ा है। बर्फ की पहाड़ियां मतलब ऐसा इंसान बहुत ठंडी नेचर का। अभी क्योंकि ये वृद्ध हो चुका है, अपने जिंदगी के लास्ट पड़ाव में है और इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ऊंचे नीचे जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, और इस टाइम पर आकर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मतलब कुछ भी कर नहीं पा रहा, इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने आप से कुछ कर ले, इसीलिए उसने वो उसको सहारे की ज़रूरत है। तो ये इंसान, ये एक्चुअली कार्ड नेगेटिव कार्ड है। जब भी ऐसा कोई कार्ड ये वाला कार्ड निकल कर आएगा तो आप क्वेरेंट को बोल सकते हैं कि ये इंसान को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने बलबूते पर चल सके। इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने आप डिसीजंस ले सके, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने आप से हिम्मत कर सके। क्योंकि 9 नंबर मार्स मतलब आपको यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये बूढ़ा हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे इंसान को बोल सकते हैं कि आप किसी की मदद से, किसी की सहायता से काम कीजिए और इस लाठी को छोड़कर जीवन में किसी की चाहे
मदद लीजिए, सहायता लीजिए या अपने अंदर वो गुण काबिलियत वो पैदा कीजिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़े। बेशक उसके लिए आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़े, लेकिन सहारे को छोड़ने की कोशिश कीजिए और अपने पैरों पर हो जाइए। तो ये एक तरह से नेगेटिव कार्ड है। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी आप जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब किस्मत, व्हील मैंने पहिया, तो आपकी किस्मत का पहिया। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड की सिम्बोलॉजी क्या बोल रही है। यहाँ पर एक लेडी है जो कि एक किताब लेकर बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है। यहाँ पर एक हिरन है जो कि किताब लेकर बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक शेर है जो किताब लेकर बैठा है और कुछ पढ़ रहा है। यहाँ पर एक बाज है जो कि किताब लेकर बैठा है और कुछ पढ़ रहा है। और यहाँ पर एक और एक लॉयन है जो कि हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए बैठा है और यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसके ऊपर व्हील के ऊपर बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक स्नेक भी नजर आ रहा होगा और एक जानवर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या कार्ड क्या बोल रहा है, इसकी सिम्बोलॉजी को समझने की जरूरत है। देखिए ये कार्ड बोलता है कि आपके जीवन का पहिया अब घूमने ही वाला है, बिल्कुल घूमने वाला है। आप अपनी चाहे अपने जीवन के पहिए को घुमाने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप जो भी चीजें कर सकते हैं कीजिए। चाहे आप अपनी सुंदरता का प्रयोग करें उसके लिए आप सुंदरता का यूज कीजिए, चाहे आप अपनी शार्पनेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाज है ये बाज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एकदम से अपनी जो अपना जो शिकार है उसको उठा लेता है। तो उसकी तीव्रता, बाज जैसी तीव्रता आपको अपने अंदर लेके आनी होगी, ठीक है, शेर जैसी स्ट्रेंथ लेकर आनी होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने किस्मत का पहिया दौड़ाने के लिए, चेंज करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सभी तरीकों से मेहनत करके आपको जो है तभी आपके जीवन का पहिया घूमेगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि यही वो टाइम है जब आपको साम दाम दंड भेद का यूज करना है। यूज कर अब ये जो स्नेक है, स्नेक वेल्थ दिखाता है कि आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा। ये जो जानवर यहाँ पर बैठा हुआ है ये किस्मत का पहिया घूमेगा और ये हटेगा तभी आपको जीवन के अंदर सक्सेस और वेल्थ मिलेगी, ठीक है। तो ये कार्ड आपको इस तरह की सिंबोलॉजी बताता है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है आपके जीवन के बदलाव, लेकिन आपके खुद के एफर्ट से, ऐसे नहीं बैठे बिठाए नहीं होगा। साम दाम दंड भेद लगा दीजिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए, अब टाइम आ गया है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तो चलिए गाइज अभी नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आज का कार्ड है जस्टिस का कार्ड, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक पर्सन नजर आ रहे हैं बैठे हुए हैं जिन्होंने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और इधर तराजू पकड़ा हुआ है। ये हमारा जो है कानून की देवी भी बोल सकते हैं इसको, जस्टिस मतलब जज, ये जज हैं, ये पर्सन जज हैं जो कि जिनके पास पावर है, क्योंकि तलवार इनकी पावर को दिखा रहा है और ये जो इनका तराजू है इनके जस्टिस को दिखा रहा है, इनकी जो चीजों को जो बैलेंस करके जो ये रिजल्ट देते हैं नाप तोल कर, मतलब गलत का रिजल्ट गलत देना, बुरे कर्म का नतीजा बुरा और अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा, वो बैलेंस करके इंसान को उनके कर्मों का फल देना, ये इंसान इसीलिए इनको जज बोला गया है। ये न्याय के देवता हैं, ये जस्टिस करते हैं। तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंसानों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब उनको देते हैं। ये बहुत फेमस इंसान है, देखिए इन्होंने भी रेड कलर के कपड़े डाले हुए हैं और इनके माथे पर भी जो है एक ताज डाला हुआ है जिसके ऊपर की एक स्क्वेयर का निशान है, जो कि बताता है कि ये बहुत सॉलिड इंसान है। इनकी जो बुद्धि है वो बहुत सॉलिड है, वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है कि वो सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। तो जब भी ये कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है और अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपके जो है कोर्ट केस में आपकी विजय होने वाली है और आप बहुत जल्दी इस केस को जीतने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ये इंसान के कर्मों का हिसाब किताब उनके कर्मों के हिसाब से देते हैं।
तो गाइज अभी हमने आज जो है सभी कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन की, बाकी कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने मेजर अरकाना के 11 कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन सीखी, उनकी मीनिंग सीखे। तो आप इन मीनिंग्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रीडिंग्स करेंगे, जब आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, तो हो सकता है इन मीनिंग्स को आपको बार बार पढ़ना पड़े, जब तक कि आप एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मीनिंगफुल लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।